डीपीओ ननकाना साहिब बिलाल इफ्तखार की हिदायत पर थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता उनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम दिलदार से आधा किलो से जायद चर्स और बिटक की रकम बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ की तरफ से एसएचओ थाना सिटी शाहकोट जहांगीर बेग और टीम को शाबाश। 5 रोज से ट्रामा सेंटर की एक्सरे मशीन खराब। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में मरीज खबार। मरीजों को अस्पताल के सामने प्राइवेट लैब से एक्सरे करवाना पड़ता है, जो 600 से 1000 रुपए तक की फीस वसूल करते हैं। एमएस समेत दीगर आला अफसरों ने गरीबों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्ला मुश्ताक का डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार के हमराह सब्जी और फल मंडी का दौरा। बोली के अमल का जायजा लिया, सब्जी और फलों का मयार भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी के सदबाब गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए 54 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक है। हुकूमत पंजाब जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाए। पिशावर इंतजामिया कोरोना एसओपी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। जिले इंतजामिया पाक आर्मी और पुलिस अफसरों का मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना। कोरोना जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर पिशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद की जानिब से कोरोना एसओपी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। और मेंबर सूबाई असेंबली मलिक जमशेद अल्ताफ ने रेस्क्यू 1122 जिंड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम समेत मुआज़ज़ीन इलाका और रेस्क्यू अहलकारों ने शिरकत की। डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने मेहमान खसूसी और तकरीब के शुरका को रेस्क्यू सर्विस बारे ब्रीफिंग दी। मेहमान खसूसी का तकरीब से खिताब में कहना था कि रेस्क्यू 1122 की खिदमत तहसील जिंड के लिए तोहफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि डीपीओ ननकाना साहिब बिलाल इफ्तखार की हिदायत पर थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम दिलदार से आधा किलो से जायद चर्स और विटक की रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ की तरफ से एसएचओ थाना सिटी शाहकोट जहांगीर बेग और टीम को शाबाश दी गई। इस मौके पर डीपीओ ननकाना साहिब बिलाल इफ्तखार का कहना था कि मुनशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वालों का खात्मा मिशन है। छांगा मांगा में सफाई से मुतालिक शहरियों को दरपेश मसाइल। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक चैलेंज समझते हुए हल कर रहे हैं। वजीर आजम टाइगर फोर्स छांगा मांगा के फोकल पर्सन राव अमजद अली खान, कोऑर्डिनेटर नवीद अंजुम भट्टी की निशानदही पर सीनियर हेड क्लर्क यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद अदरीस डोगर ने ओवर हेड ब्रिज, माशाला कॉलोनी, मराली टाउन और पुराना रहमानपुरा में सीवरेज लाइन के सफाई की और इलाका मकीन एसी का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ ऑफिस ननकाना साहिब में तकसीम इनामात। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरों और जवानों में नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डीपीओ ननकाना साहिब बिलाल इफ्तखार का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ्फुज और खिदमत करने वाले अफसरान और जवान महकमा के लिए काबिल फख्र है। इनामात देने का मकसद अफसरों और जवानों का मोराल बुलंद करना है। 5 रोज से ट्रामा सेंटर की एक्सरे मशीन खराब। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में मरीज खबार। मरीजों को अस्पताल के सामने प्राइवेट लैब से एक्सरे कराना पड़ता है, जो 600 से 1000 रुपए तक फीस वसूल करते हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों की वाहिद सरकारी इलाजगाह की हालत यह है कि यहां अद्वियात से लेकर मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे की सहूलत ना होने के बराबर है। एमएस समेत दीगर आला अफसरों ने गरीबों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद सैफुल सलाम शाह और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर कोहिस्तान जुल्फिकार खान जदून की तरफ से शाहराह कराकरम चौक पटन के मकाम पर इफ्तारी का अहतमाम किया गया। रमजान दस्तखान पर मुसाफिरों, सियाहों, इंतजामिया के अफसरों और पुलिस जवानों ने इफ्तारी की। इस मौके पर कोरोना वायरस की वबा से छुटकारा, मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह खान अब्बासी, डीआईजी हजारा रीजन मीर वैस न्याज के अहकाम, डीपीओ लोअर कोहिस्तान जुल्फिकार खान जदून की हिदायत पर एमटीओ शाह जरीन खान और टीएमए एहलकारों ने फायर ब्रिगेड गाड़ी और हेड पंप के जरिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्लोरीन का स्प्रे किया। इस मौके पर डीपीओ लोअर कोहिस्तान जुल्फिकार खान जदून का कहना था कि पुलिस की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जुराइम का स्प्रे का वबाई अहलकारों को कोरोना जैसी वबाई मर्ज से बचाना है। असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान हीरा रजवान का तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, दूसरी जानिब तहसीलदार ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया, 34,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। मजीद जानते हैं मिर्जा मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकामी इंतजामिया हरकत में आ गई। गुजर खान में रमजान बाजार में मियारी अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस नफरी के हमरा खोखा बाजार और सर्विस रोड पर भरपूर ऑपरेशन करते हुए बड़ी तादाद में सामान जब्त कर लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, दुकानदार कोरोना वायरस से बचाव के लिए रास्ते खुले रखें, रश की सूरत हाल पैदा ना करें, एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानेब तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक दर्जन से जायद दुकानें सील कर दी और 34,000 जुर्माना भी किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्ला मुश्ताक, डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार ने सब्जी और फल मंडी का दौरा करते हुए बौली के अमल का जायजा लिया, सब्जी और फलों का मैयार भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्ला मुश्ताक का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी के सदबाब गिराफरोशी की रोकथाम के लिए 54 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक हैं। हुकूमत पंजाब जखीरांदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बना रही है। किसी को शायद जरूरिया बिलखसूस चीनी की किल्लत पैदा करने नहीं दी जाएगी। सार्फीन के मुफादात के तहफ्फुज के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने पिशावर में पुलिस अफसरों से वीडियो लिंक मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के आखिरी इशरे और ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन पर अमल दरामद को हर कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत। आईजीपी ने थानों में माले मुकदमा गाड़ियों का सख्त नोटिस लेते हुए शुरका को हिदायत की कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को फौरी तौर पर महकमा कस्टम के हवाले करके रिपोर्ट भिजवाएं। इजलास में एडिशनल आईजीपी ऑपरेशंस, एडिशनल आईजीपी, डीआईजीपी हेडक्वार्टर्स और डीआईजी एआईजी ऑपरेशंस और दीगर ने शिरकत की। पिशावर की इंतजामिया रात को भी सरगरम, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामिया, पाक आर्मी और पुलिस अफसरों का मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना, कोरोना जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने और मास्क इस्तेमाल ना करने पर 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर पिशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद की जानिब से कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जमशेद अल्ताफ ने रेस्क्यू 1122 जिंड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में रेस्क्यू स्टेशन में तकरीब हुई जिसके मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जमशेद अल्ताफ थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फरहत खान, डीएमएस डॉक्टर नीलम चौधरी समेत मुआज़ज़ीन इलाका और रेस्क्यू अहलकारों ने शिरकत की। डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने मेहमान खसूसी और तकरीब के शुरका को रेस्क्यू सर्विसेज बारे ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा कि रेस्क्यू 1122 की खिदमात तहसील जंट के लिए तोहफा है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर की जेर निगरानी एसी सूलत हयात बटू और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शहबाज अहमद का गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, छापामार कार्रवाई के दौरान राइस मिल्स के गोदाम से 8,000 के करीब गंदम के थैले तहवील में ले लिए गए। इस मौके पर इंतजामी अफसरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा टारगेट हासिल करेंगे।
शेरगढ़ के इलाका कचहरी चौक में कार को आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बरवक्त काबू पा लिया। ड्राइवर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस गाड़ी को आग लगी। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी शाहरा पर चीचा वतनी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, दोनों जवान मौके पर जान की बाजी हार गए। 20 साल नौजवान अब्दुल सलाम और 22 साल मोहम्मद हयात मोटरसाइकिल पर नवाही गांव 914L जा रहे थे कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर सामने आने वाले तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। हादसे के नतीजे में दोनों नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गए। ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रायलर समेत मौके से फरार, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। चौक आजम के नवाही गांव 341 में अवारा कुत्तों ने हमला करके किसान की 22 भेड़ें हलाक कर दी। इब्राहिम गुज्जर नामी शख्स के 3 पालतू कुत्तों ने अवारा कुत्तों से मिलकर 22 भेड़ों को चीर फाड़ दिया। किसान गुलाम अकबर का 5 लाख रुपए से जायद का नुकसान जिसने थाना चौक आजम में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त से दे दी है। किसान का कहना है कि यही भेड़ें जिंदगी कमाई थी जिसे इब्राहिम के कुत्तों ने खत्म कर दिया है। किसान गुलाम अकबर ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए DPO लैया से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। DPO किशोर राणा इमरान किश्वर की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर पत्तों की शफकत जावेद और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगुना आलम शेर उर्फ सलीम को साथियों समेत गिरफ्तार करके 5 लाख नकदी, 5 मसरूका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और इसलाह बरामद कर लिया है। मुलजिमों के खिलाफ कसूर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और राहजनी और कत्ल के मुकदमा दर्ज थे। DPO ने खसूसी टीम की हौसला अफजाई के लिए नकदी इनाम और तकरीबी असनाद देने का ऐलान किया है। लकी मरवत पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को सहूलतकार समेत गिरफ्तार करके असलाह बरामद कर लिया है। मजीद जानते हैं शरीफुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत पुलिस ने बिगुखेल में कार्रवाई करते हुए सहूलत कार सफीउल्ला वल्दे सनावला को गिरफ्तार कर लिया। मस्कुरा सहूलत कार की निशानदही पर वांडा पाइंदा खान में खुफिया ठिकाने पर छापा मारकर नामजद मुलजिम सिजाद वल्दे मिसल सकना वांडा समंदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से असला बरामद किया गया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहा है। वाकया पेश आया था जिसमें हमारे सबका SHO शफकत पे हमला किया गया था, जिसमें शफकत जख्मी हो गए थे। इस केस के मुताबिक 2 मुलजमान सज्जाद और सफीउल्ला को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी तफ्तीश जारी है। और इस केस के मुताबिक जो बकाया मुलजमान हैं उनके खिलाफ हम रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द कानून। पुलिस के मुताबिक मस्कुरा मुलजमान ने कुछ दिन कबल बिगुखेल में सबका SHO की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिससे SHO शफकतुल्ला और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्ला कोहिनूर न्यूज। फरीदाबाद, नौगोहटा और दीगर इलाकों के एहसास कफालत सेंटर्स में रिश्वत का बाजार गरम। एजेंट माफिया मुस्तहक खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने लगे। मजीद जानते हैं मुरी चांडियो की इस रिपोर्ट में। तहसील में अड़के गर्द नवा थरी मबत राधन शाह पंजो नौगोट फरीदाबाद बलेदाई काजी आरफ और दीगर शहरों में कायम एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटरों पर रिश्वत की बाजार गर्म। एजेंट माफिया सरेआम मुस्तकीन खवातीन से रिश्वत लेने में मसरूफ हैं। इंतजामिया खामोश डिवाइस होल्डर एजेंट माफिया के साथ खवातीन से 500 से 2000 रुपए तक की कटौती करने का इनकशाफ हुआ है, जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बावजूद भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई है। तहसील मेयर के सारे एहसास किफालत सेंटरों पर कोई भी SOPs पर अमल नहीं करवाया जा रहा है। मुतासिर खवातीन IG सिंध DIG हैदराबाद SSP दादू से मुतालबा किया है कि डिवाइस होल्डर एजेंट माफियाओं के खिलाफ नोटिस लेकर मुस्तकीन खवातीन के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन के साथ मुरी चांडो कोइन। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद दही कंदील फातिमा मेमन ने
टंडू जाम के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकानों को सील किया गया है। मजीद जानते हैं अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद दही कंदील फातिमा मेमू ने टंडो जाम के मुख्तलिफ इलाकों मीर मोहल्ला मीर कॉलोनी मेन स्टॉप समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में जाकर अहले खाना को कोरोना बचाव किट्स तकसीम की है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद दही कंदील फातिमा मेमू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने तालका हैदराबाद दही के तमाम इलाकों में मुख्तलिफ वेरिएंस प्रोग्राम शुरू किए, जिसकी वजह से जिले हैदराबाद के 3 तालकों में से तालका हैदराबाद दही में कोरोना केसेस इंतहाई कम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की थर्ड वेव चल रही है जो कि बहुत ही जानलेवा है, इसी हवाले से हमने काफ़ी सारी दुकानें सील भी की हैं जो कि वायलेशन कर रही थी। काफ़ी सारों पे हमने जो है वो फाइन भी किया है, लेकिन उस सबसे बेहतर मैं समझती हूँ कि ये मेजर है कि हम जो है उनमें ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाएं लेकिन उनको वो सामान भी प्रोवाइड करें जिनसे वो खुद को भी और अपनी फैमिलीज को बचा सकते हैं कोरोना से। तो इसी हवाले से हमने जो है वो एक टूल किट्स बनाई है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको और सबको दे रहे हैं, और उसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है और सोप है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ दुकानों को सील किया गया है, उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं और आवाम को शऊर पैदार करने के लिए आवाम को किट्स दी जा रही है ताकि वो महफूज रह सके। उन्होंने कहा कि आवाम कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शऊर पैदा किया गया है, आवाम शनासी कार्ड नंबर भेजने का तरीका समझाया है ताकि उन सेंटर से राबता करें कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि हमने पूरे तालके में मुहिम शुरू की है जिसमें टंडो जाम में 100 से ज़्यादा घरों में टूल टिक्स तकसीम किए हैं जबकि मजीद किट्स तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन मिट्टू के साथ अली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के जुलूस और मजालिस का अहतमाम किया गया। मजालिस में दीन इस्लाम के लिए हजरत अली करमुल्लाह वजहों की दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ताहिर मेहंदी से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली लाहौर के इलाका बाटापुर मरकजी इमाम बारगाह मुसाफरा शाम में, जहाँ पे 21 रमजानुल मुबारक बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम मजलिस आज़ाद जो 20 रमजान की सुबह को शुरू हुई और जारी और सारी है, जिसमें मुल्क के ज़ाकरीन उलमाए किराम ने खिताब भी किया है। और आज 21 रमजान ठीक शाम 6 बजे ज़ियारत शबीए तबूत हजरत अली अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जो अपने मरकजी रास्तों से गुजरता हुआ जो है वो इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल लाहौर के सदर मलिक शौकत अली अवान साहब, उनसे पूछेंगे कि कोरोना एसओपीज और ये कोरोना जैसी जो वबा है मूजी, उसके दौर में हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो एसओपीज जारी किए हैं उसके हवाले से मजलिस और अजा और जुलूस जारी और सारी हैं, क्या आज़ादारी हुकूमत के एसओपीज के ऐन मुताबिक हो रही है या फिर आज़ादारी मुतासर होने के खदशात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी मजालस अज़ादार हो रही हैं जौमे अली के सिलसिला में हुकूमत पाकिस्तान ने एसओपी के तहत हमें कहा है कि एसओपी के तहत आप मुनाकद करें अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो सब अज़ादार देखने जितने भी हैं सब ने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है और हर इंसान जो है एसओपी का पाबंदी कर रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमें इजाज़त दी हुई है। अच्छा सर, आज़ादारी का सिलसिला जैसे आपने फरमाया कि जारी और सारी है और जुलूस भी बरामद होगा और मजलिस अज़ा भी मुनक्कद की गई है, तो हुकूमत को या आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला को कोई आप पैगाम देना चाहें कि कोरोना के हवाले से या एसओपीज के हवाले से वो किस तरह जुलूस और मजालिस को मुनक्कद करें? जी हमने ऐलान किया, स्पीकर ने भी ऐलान किया, सौंड मजलिस ने भी ऐलान किया, स्टेट सेक्रेटरी ने ऐलान किया, एसओपीज के मुताबिक हमारे जो काम हो वही होंगे। अज़ादारों को मातमी हज़रात को भी हमने यही कहा है कि आप सारे मास्क पहने और फासला रखें, फासला रख के और मातमी अज़ादारी होगी। हम अब लोगों को बता दिया, इंशाल्लाह पूरे लोग हमारे साथ इंतजामिया के साथ तावन कर रहे हैं। जी सदर शिया उलमा कौंसिल मलिक शौकत अली अवान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कोरोना एसओपीज के मुताबिक जुलूस और मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं और तमाम अज़ादारान को ये मैसेज भी दे दिया है कि फासला रखें और एसओपीज पर अमल करें, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और डीसी लाहौर और दीगर इंतजामिया खसूसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने आज़ादारी को जो इस तरह मुनक्कद करने की इजाज़त दी, और बानी मजलिस अज़ा मलिक अमीर मुख्तार ने इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि इसी तरह यौम अली को मनाया जा सकता है अगर हुकूमत के साथ आज़ादार तावन करें और एसओपीज पर मुकम्मल जो है वो अमल पैरा हूँ।
मंडी बहाउद्दीन को फलाही और मॉडल जिला बनाने के लिए भागिया में वेलफेयर सोसाइटीज की मुशावती कौंसिल का इजलास। जिला भर की फाल सोसाइटीज के 30 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से जहीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन को फलाही और मॉडल जिला बनाने के लिए वेलफेयर सोसाइटी जिला मंडी बहाउद्दीन की मुशावती कौंसिल के क्याम के लिए अहम इजलास फालिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर की फाल तरीन सोसाइटी से 30 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। अजलास की बकायदा कार्रवाई का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते हबीब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। अजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जहीर बाबर असद सदर खुशहाल पाने वाली सोसाइटी ने हाजरीन को अजलास के एजेंडे से आगाह किया। अजलास के शुरका ने बारी बारी एजेंडे के नुकात पर रोशनी डाली और जिला मंडी बहाउद्दीन को फलाई और मॉडल जिला बनाने के लिए तजावीज़ दी। इन तजावीज़ की रोशनी में 10 रुकनी अबूरी मुशावरती कौंसिल का क्याम अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही चेयरमैन पब्लिक ये ट्रस्ट पाकिस्तान नासर अब्बास तारड़ को दी गई, जबकि मंडी बहाउद्दीन की तीनों तहसीलों से 3 अफराद को इसका मेंबर मुंतखब किया गया। ये तय किया गया कि साल 2021 में मंडी बहाउद्दीन के कम से कम 200 देहात में सोसाइटीज का क्याम अमल में लाया जाएगा। सफाई और सेहत लाजमो मलजूम है, इसलिए तरजीही बुनियादों पर सफाई को फोकस किया जाएगा। अजलास से खिताब करते हुए नासर अब्बास तारड़ का कहना था कि अगर हम सब जवार में मौजूद ऐसे देहात को टारगेट बना लें जहाँ कोई सोसाइटी नहीं, तो थोड़ी सी कोशिश से वहाँ सोसाइटी बनाई जा सकती है। अजलास के मेज़बान डायरेक्टर गजाली ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस पंजाब मोहम्मद जैगम मुगीरा ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि बुनियादी आदाफ तय करके मौसर अंदाज से आगे बढ़ा जा सकता है। मुशावरती कौंसिल आदाफ तय करने के साथ साथ उनको हासिल करने की मनसूबाबंदी भी करे। उन्होंने शुरका के एजाज में इफ्तार डिनर भी दिया। अजलास में अलखिदमत फाउंडेशन और हेल्पिंग हैंड के वफद ने शरीक होकर मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। अजलास का इख्तिताम मोहम्मद जैगम मुगीरा की पुरखलूस दुआ से हुआ। कैमरा टीम रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दृशक ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरों को रैंक लगाए और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड में इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैर दृशक ने रैंक लगाए। आरपीओ ने अपनी नेक तमन्ना का इजहार किया और कहा कि अगले रैंक में तरक्की आपकी मेहनत का नतीजा है और अपने हम मनसब अफसरान में बेहतर कारकर्दगी होने की बुनियाद पर आप लोगों को बोर्ड ने तरक्की के लिए मौजू समझा। आप तरक्की पाने वाले अफसरान का यह फ़र्ज बनता है कि आप मजीद जान सनी से अपने फ़राइज आए मनसबी असर अंजाम दें और मुल्क व कौम की खिदमत मजीद जज्बे से करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद अजहर हुसैन, मोहम्मद इकबाल, अमान राव, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इमरान शाहिद बुरैत और नदीम इकबाल शामिल है। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर हजर मुश्ताक स्केड़ा, एसएसपी आरआईबी रब नवाज दला और एसपी लीगल मोहम्मद खान जोया भी मौजूद थे। कैमरा मैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा महकमा ज़राअत पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। एटीएम के जरिए किसान फौरी कैश हासिल कर सकता है। मजीद जानते हैं मुल्तान से रजा नकवी की इस रिपोर्ट में। किसान कार्ड के जरिए 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड काश्तकारों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी शफाफ अंदाज में पहुँचाई जा सकेगी। किसान कार्ड के तहत काश्तकार फसल बीमा, तकाफल, ई क्रेडिट और जरिए मदाखल की तमाम सब्सिडी हासिल कर सकेंगे और कार्ड को बतौर एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए सब्सिडी की रकम को फौरी वसूल करके बर वक्त जरिए मदाखल खरीद कर बर वक्त अमूर काश्तकारी और तहफ़ नबातात को यकीनी बना सकेंगे। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और जरिए जहरें रियायती कीमत पर हासिल कर सकेंगे। रजिस्टर्ड काश्तकार किसान कार्ड के हसूल के लिए HBL कनेक्ट की दुकान पर अपना अकाउंट खुलवाएं। किसान कार्ड वसूल करने की इतला मसूल होने पर शिनाख्ती कार्ड के हमरा मुतलका ज़राअत तौसी के दफ्तर राब्ता करें। किसान कार्ड से पंजाब में 10 लाख काश्तकारों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी फराम की जाएगी। हुकूमत ने किसान कार्ड दिया है तो बड़ी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये फायदा देगा। सबसे पहले तो वजीर अहमद साहब का शुक्रिया कि वो मुल्तान तशरीफ लाए और उन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया और हमें इज्जत बख्शी। मेरा नाम फजल हुसैन है, मैं बिल्ली अंदर रिहायशी हाँ। खान साहब खान इमरान खान साहब ने कार्ड साहब उड़ी तीन किसान कार्ड। इंशाल्लाह इन्हें सब बड़ा फायदा थी किसानों को, सारी पैदावार वासी।
जिससे फी एकड़ जरी पैदावार में इजाफा और पैदावारी हदा। ईद के दिनों में जिला नौशहरा में लॉकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओसगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से इलामिया जारी हुआ है, जिसके तहत कारोबारी मराकज 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाइस रमजान के आखिरी अय्याम और ईद के दिनों में जिला भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओसगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इलामिया के मुताबिक जिला भर में तमाम मार्केट्स, बाजार, कारोबारी सरगर्मियां 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। रश, हजूम, किसी किस्म की किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। उसको चेक करने के लिए हम लोग रेगुलरली निकलेंगे भी। आपको इस तरह पता है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी गालबन हफ्ता पहले तक हमारे साथ हो चुकी है और रेगुलरली हम इस चीज़ को इन्फोर्स भी कर रहे हैं। सेकेंडली, जो टाइम पीरियड होता है ईद में, इसमें काफ़ी लोग ना तो सिर्फ अपने घरों को जाते हैं बल्कि टूरिस्ट एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस किस्म की भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे तीन मेन एरियाज़ को उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है, स्वात, कलाम, गलियात और ये कागान नारायण मानसेरा वाला एरिया, इन तीन ज़िलों में स्वात, एबटाबाद और मानसेरा में कम्प्लीट पाबंदी है टूरिज़म के ऊपर। इलामिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, फूड शॉप, सब्जी, फ्रूट्स की दुकानें और रेस्टोरेंट के टेकओवर पर नहीं होगा, जबकि चांद रात पर बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओसगर ने यह भी वाजह किया कि इसी दौरान सुबह भर में सियाहती मुकामात स्वात, कलाम, गलियात, नारायण, कागान भी 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि सुबह भर में हर किस्म ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।